अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल। और इस वक्त दुआ जहरा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है कि दुआ जहरा केस में जो उनका निकाह हुआ था वो निकाह अब ख़त्म नहीं हो सकता, और दुआ का दोबारा जो है वो मेडिकल बोर्ड बनेगा और दुआ का दोबारा मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद डिसाइड होगा कि दुआ जहरा अपनी फैमिली के साथ रहेंगी या फिर दोबारा जो है वो जहीर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। और साथ ही जो है वो बड़े मामलात इस केस में पेचीदा है, मैं बात करने वाली हूँ। आज मेरे साथ मौजूद होंगे, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे एडवोकेट फयाज रामे, इनसे मैं तफसीलन गुफ्तगू करूँगी और ये भी जानूँगी कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो है वो क्या कोताहियाँ हुई हैं केस के अंदर दुआ के वालिद की जानिब से, और सिंध हाई कोर्ट में जो है वो जो फैसले आए थे जिसकी वजह से इनको चैलेंज करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। अब मामला दोबारा लोअर कोर्ट की जानिब चले गए हैं, अब क्या आगे होने वाला है, इन तमाम मौजू पर मैं बात करने वाली हूँ अपने आज के गेस्ट एडवोकेट फयाज रामे से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप लोगों को मायूसी हुई है? आप लोग कह रहे थे कि हम सबूत पेश करेंगे, आप लोगों ने वो सबूत पेश किए हैं? जी हमने सबूत पेश किए हैं, लेकिन कुछ हद तक ये फैसला आज हमारी फेवर में रहा है। जिस तरह का रिलीफ हमें एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं मिला, लेकिन आज ये फैसला इस लिहाज से बेहतर रहा है कि जो सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मान लिया कि वो गलत है। देखें इसीलिए अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड ना होते तो कोर्ट कभी भी री एग्जामिनेशन का ना कहती। हमारा री एग्जामिनेशन मेडिकल का नहीं हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि सिंध हाईकोर्ट की जो जजमेंट है वो हो गई है, अब आपका री एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। तो अब एक तो अदालत ने कह दिया कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका मेडिकल करवाया जाए, एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया जाए। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि पहले वाला मेडिकल जो है वो गलत हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बेसिकली हमारा क्लेम तो यही था कि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद थे, हमारा मेडिकल तो बनता ही नहीं था। लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदालत है जो कानून की तशरीह करती है, तो जो वो कह देते हैं वही लॉ होता है, तो उसको हमें एज ए अब ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। और एक चीज इसमें बड़ी अहम है जो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट बड़ा अहम क्लियर कर दिया है इस पूरे केस में। जी। वो ये क्लियर किया है, उन्होंने कहा अगर बच्ची माइनर है मेडिकल में आ जाता है 14 साल की है तो गार्डियन कोर्ट से जाके इसकी कस्टडी क्लेम करें। मतलब 14 साल की है तो इसका बयान कोई नहीं है, आप इसकी कस्टडी क्लेम कर सकते हैं और आप इसके गार्डियन हैं। और यही हम लोगों को बड़े अरसे से समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, और यही हमारा स्टेटमेंट था, लेकिन आज तक किसी को पूरे सिस्टम में ये समझ नहीं आई। चलो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया कि 14 साल की जो बच्ची होती है वो माइनर होती है और उसकी कस्टडी हम गार्डियन कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं, और उसका जो शादी होती है वो शादी नहीं होती, वो अब्डक्शन में आता है, और उसकी अब्डक्शन जो स्टेटमेंट होती है वो गार्डियन ने ही देनी होती है। लेकिन अब एक हमारे साथ थोड़ा इनजस्टिस हुआ है कि अगर इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ये कर देती कि डॉक्यूमेंट के लिहाज से हमारी 14 साल उम्र है डिक्लेयर कर देती तो ये तो एक पक्का था, लेकिन वो फैक्चुअल डिस्प्यूट जो है ये सुप्रीम कोर्ट देख नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, उन्होंने आईन के लिहाज से देखना था और फंडामेंटल राइट जो था उसको भी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये भी चीज मान ली कि मुलाकात करवानी चाहिए, ये वालदैन का फंडामेंटल राइट है। और आज आपने सुना सुप्रीम कोर्ट में कि 12 घंटे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट मुलाकात करवाने के लिए तैयार होगी, और यही मुलाकात पिछले 5 मिनट के लिए भी नहीं करवाई गई। तो ये दो चीजें तो फिर जाके क्लियर होगी ना, अब इसमें मुलाकात करवाया जाना भी जायज है, अब 12 घंटे उन्होंने कह लिया और यहाँ पे 5 मिनट के लिए जायज नहीं था, तो वहां पे जाके क्या कानून बदले था कोई सुप्रीम कोर्ट में? यही हमारा मौका है सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात की। ठीक है सर, मुलाकात हो जाती है दुआ के पेरेंट्स से, इसके बाद भी अगर दुआ का बयान वही रहता है कि वो जहीर से शादी जो है वो कंटिन्यू रखना चाहती है और पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर आप लोगों का क्या मौकफ होगा? जी ये सवाल अदालत में भी हुआ था और हमारा उसमें जवाब यही था कि बेसिकली हम मुलाकात नहीं चाहते, हम कहते हैं कि हमारी बच्ची काम से ना माइनर है, हम तो उसकी परमानेंट कस्टडी
कस्टडी क्लेम करते हैं, हमने मुलाकात करके क्या कर रहे हैं, हम तो उसकी परमानेंट कस्टडी क्लेम करते हैं, हम तो ये क्लेम करते हैं बच्ची 14 साल की है इसकी परमानेंट कस्टडी दे, इसके स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान पिनल कोड ये कहता है कि 16 साल से नीचे जो बच्ची होगी उसकी जो स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है, वो अखबार में ही आएगा। और ये पॉइंट आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर बच्ची 14 साल की हो जाती है तो आप गार्डियन कोर्ट से जाके कस्टडी ले सकते हैं और निकाहनामा भी फैमिली कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सारे रास्ते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट सही थे तो सुप्रीम कोर्ट सिंपल दो लाइनें लिख के हमारी रिट खारिज कर सकती थी, ये कह सकती थी कि भाई आपका ऑलरेडी स्टेटमेंट हो चुका है, आप इधर क्या लेने आए हैं। ठीक है, और निकाह हो चुका है लेकिन हमें फोरम प्रोवाइड की किया गया है कि आप वहां जाए अप्रोप्रिएट फोरम पे जाएं और अपना मेडिकल। इसका मतलब यही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से एग्री कर लिया कि हमारा मेडिकल जो है पहले सही नहीं हुआ, आप री एग्जामिनेशन करवाएं और जो आपका अगर बच्ची 14 साल की आ जाती है तो आप गार्डियन कोर्ट से कस्टडी लेने के हकदार हैं। और ये अगर कस्टडी गार्डियन ये 14 साल की बच्ची हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है मेडिकल में, तो ये केस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा और गार्डियन कोर्ट से इसकी कस्टडी मिलेगी और ये प्रॉपर अबडक्शन की बेस पे जो बयान होगा वो मैदी साहब को होगा जो उसका गार्डियन है, फिर उसका स्टेटमेंट होगा और ये बच्ची भी उनको मिल जाएगी। ठीक है, मामला जो भी है वो सारा। जी जी, अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया, आप लोगों को सुनाया, और उन्होंने कहा कि हम निकाह नहीं ख़त्म करवा सकते, लड़की की अपनी विल है और अगर अब भी अगर दुआ के पेरेंट्स चाहें तो वो अब तो इस निकाह को ख़त्म नहीं करवा सकते, तो अब सिर्फ दुआ की विल पे सारी बात का इन्हिसार है। देखिए, उससे पहले उन्होंने एज डिटरमिन करवाई है, निकाह तो बालक लड़की का खत्म नहीं ना होता, बालक लड़की का निकाह देखें अब 3 महीने से बची रह रही है। बेसिकली अगर डीपली निकाह को स्टडी किया जाए तो निकाह मीन है कंजुमेशन, जब एक रिलेशन बिल्ट हो गया, बच्ची उसके साथ रह रही है 3 मंथ से, उसका मिस यूज हो रहा है, तो अब अदालत उसको अनडू तो नहीं कर सकती। लेकिन ये बात इसमें एक चीज है कि अगर उसकी एज 14 साल आ जाती है तो फिर कोई निकाह नहीं है। ये निकाह उन्होंने हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको देखते हुए कहा है कि ये निकाह को हम अनडू नहीं कर सकते, अगर आपने निकाह नामा कैंसिल करवाना है आप फैमिली कोर्ट जाएं, उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम है, आप फैमिली कोर्ट में जाके निकाह नामा चैलेंज करें, उन्होंने हमें ये कहा है। ठीक है, ये नहीं कहा कि आप हमने कहा, उनके कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये है कि निकाह नामा हमने कैंसिल नहीं करना, आप अप्रोप्रिएट फोरम जो है फैमिली कोर्ट उधर जाएं। और एक चीज इसमें ये है कि अगर बच्ची जो दुआ के पेरेंट्स शुरू से ये बात कह रहे हैं कि हम अपनी बच्ची किसी भी सूरत वापस चाहते हैं, तो क्या आप लोगों ने उन्हें ये वाजे नहीं किया था कि अगर बच्ची वापस चाहते हैं और निकाह चाहते हैं कि खत्म हो जाए तो फिर उन्हें फैमिली कोर्ट जाना चाहिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए? देखिए, हम बिल्कुल जाना चाहते हैं लेकिन एक मुहावरा है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर हम फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो मेरा ख्याल जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये बच्ची के बच्चों के मामू बन जाएंगे और तब तक उसके 3-4 बच्चे हो जाएंगे। तो मामला ये है कि ये एक फास्ट रेमेडी थी, अगर ये केस हम चाहते हैं कि विद इन वीक, ये हफ्तों में डिसाइड होने वाला केस है, ये महीनों में नहीं है, हम ट्रायल कोर्ट के चक्रों में नहीं अभी पढ़ना चाह रहे कि हम निकाह नामा चैलेंज कराएं जब तक उसके ऊपर एविडेंस होगी बच्ची प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो फिर तो अल्टीमेटली जो है वो निकाह नामा तो फिर उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। इस फैमिली कोर्ट का अप्रोप्रिएट फोरम हमें भी मालूम है लेकिन उसका टाइम उसके लिए 6 महीने चाहिए। और इस तरह से जी इसीलिए ये मामला बनाया गया ना कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, अगर इंसाफ में तखीर कर दी तो इसका मतलब इनकार कर दिया, तो बेसिकली फास्ट रेमेडी तो यही है ना, फॉर द टाइम बीइंग बच्चे की कस्टडी का तो मसला डिसाइड हो, उसकी एज डिसाइड हो। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला हमारे हक में कर दिया है कि अगर बच्ची की 14 साल एज आ जाती है तो उसके हकदार हम है, ये बातें सारी खत्म होगी। अब ये आपने सुन भी लिया होगा, रिटर्न ऑर्डर भी आ चुका है कि गार्डियन कोर्ट से हम उसकी कस्टडी ले सकते हैं। तो अब मामला तो सबसे पहले रह गया एज डिटरमिन करना, एज का पता चले क्या है, और वो हमारे मुताबिक तो 14 साल है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखा गया और मामला फिर एक 5वीं क्लास डॉक्टर के पास ही भेज दिया गया है। तो उसमें देखिए अल्लाह ताला बेहतर करता है, अगर 14 साल उसमें एज आ जाती है तो फिर हम बच्ची की कस्टडी हम लेंगे, अगर 16 से 17 साल या 18 साल आ जाती है तो फिर डेफिनेटली जो मुलजम है उसको कस्टडी मिलेगी। ठीक है सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, अब मामला जो है वो लोअर कोर्ट की तरफ दोबारा शिफ्ट हो गए सुप्रीम कोर्ट से और 25 तारीख को दोबारा सुनवाई है। सर, हमने देखा कि अगवा के मामला हुए, यहाँ पर किडनेपिंग का कहा गया, गैंग का कहा गया, यूट्यूबर्स जो है उसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हुए, मुझे फाइनल आप ये बता दें कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मामला आखिरकार कहां जाके सुलझेगा?
कि देखें एक चीज क्लियर होगी कि अगर बच्ची 14 साल की है तो उसकी कस्टडी हम क्लेम कर सकते हैं और वो अबडक्शन में आता है। दूसरी बात यह है कि हमारे मुताबिक तो हमारा 100% केस ये था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स देख के फैसला किया जाता, लेकिन हमें एक डॉक्टर के सपोर्ट कर दिया गया है। अब ये केस सारा मेडिकल के ऊपर बेस कर रहा है। अगर तो मेडिकल में उसकी एज आ जाती है 14 साल, तो फिर तो डेफिनेटली ये केस पहले दिन से था ही एज के ऊपर, क्योंकि हमारा क्लेम ही ये है कि बच्ची ना बालिग है और इसकी कोई कंसेंट नहीं है, इसकी कंसेंट जो है वो वालिद के जरिए होगी। और अब अगर इसमें अगर बच्ची ही मेडिकल में 17 साल डिक्लेयर कर देते हैं या 18 साल, तो फिर तो वो बच्ची कानून के मुताबिक बालिग होगी, फिर तो उसको कोई नहीं रोक सकता वो जहां भी जाए। तो बेसिकली हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ वो ये हुआ कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रद्द कर दिए गए हैं और एक मेडिकल की तरफ हमें भेज दिया गया। हालांकि होना ये चाहिए था कि प्राइमरी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वो एक सारी अदालतों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस प्रिंसिपल सेट करती है। अगर उन्होंने मेडिकल कह दिया है तो डेफिनेटली यही लॉ है और इसको फॉलो करना पड़ेगा। और अब इस केस की जो सारी फेट है वो मेडिकल के ऊपर है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट फैयाज राम है, और अब दोबारा 25 जून को कोर्ट में समाअत है। ये मामला एक बार फिर जो है वो कोर्ट तक चला गया है। अब देखते हैं कि क्या नया फैसला आने वाला है। फैसला जो भी हो हम रखेंगे आपको अपडेट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तब तक के लिए अपनी होस्ट महक सुहेल को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।